हॅलो मित्रांनो, आज मी तुम्हाला चतुर कावळ्याची गोष्ट सांगणार आहे। चतुर कावळा मीन्स वाईज क्रो, मतलब चतुर कौवा। तर मित्रांनो, या गोष्टी सोबत मी काही चित्रपण दाखवणार आहे। सांगा बरं, हा कोण आहे? हा आहे कावळा। बच्चों, ये है कौवा। कौवा काले रंग का होता है। अभी मैं दूसरे चित्र की तरफ जा रही हूँ। ये चित्र है स्ट्रॉ। तर मुलांनो, आपण याला म्हणतो नळी। बच्चों, ये स्ट्रॉ है जिससे हम नारियल पानी पी सकते हैं। सर मित्रांनो, हे काय है? हे टोका पाहू। बरोबर, हा आहे माठ। आणि माठाला आपण काय म्हणतो? पॉट। बच्चों, इसको हम कहते हैं पॉट या मटका, जिसमें हम पानी भरते हैं और जिसमें पानी ठंडा होता है। हाँ, तर मित्रांनो, हे आहे शहाळे, म्हणजे नारळ पाणी। बरोबर ओळखलं। आपण यातून, या नारळातून पाणी पितो, याला आपण मराठीत म्हणतो शहाळे। तो बच्चों, हम इसे कहते हैं कोकोनट या नारियल। इसमें आप स्ट्रॉ डालकर पानी पी सकते हैं। और मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आई हूँ। ये है एक लड़का, म्हणजे मुलांनो, हा आहे एक मुलगा जो नारळ पाणी पितो आहे। आणि तो नारळ पाणी कसा पितो आहे? त्याने नारळामध्ये स्ट्रॉ टाकला आहे। तो बच्चों, मराठी में हम लड़के को कहते हैं मुलगा, और वो लड़का नारियल पानी पी रहा है स्ट्रॉ डालकर। सांगा बरं मुलांनो, पहिल्या चित्रात तुम्हाला काय दिसतं आहे? या चित्रात तुम्हाला कावळा आणि माठ दिसतो आहे। अगदी बरोबर। तो कावळा कशावर बसला आहे? माठावर। तो बच्चों, यहाँ आपको एक मटका दिखाई दे रहा है और कौवा दिखाई दे रहा है जो मटके के ऊपर बैठा हुआ है। आता आपण चित्राकडे जाऊया। या चित्रात तुम्हाला काय दिसतंय बरं? इथे एक मुलगा नारळाचं पाणी पितोय स्ट्रॉ घेऊन, आणि हे कावळा पाहतो आहे। आणखीन एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली का मुलांनो? की कावळ्याच्या वर एक दिवा पेटलेला दाखवला आहे। तो बच्चों, यहाँ हम दूसरे चित्र में क्या देख रहे हैं? कि एक लड़का जो नारियल पानी पी रहा है स्ट्रॉ से, और कौवा उसे देख रहा है। लेकिन आपने एक चित्र में ध्यान दिया कि इसमें एक बल्ब जला हुआ है पीले रंग का। इसका मतलब क्या है? ये मैं आपको आगे के चित्र में बताऊंगी। हाँ, अभी हम यह तीसरा चित्र देख रहे हैं। तर मुलांनो, आपण या चित्रात काय बघतो आहे? तो मुलगा नारळाचं पाणी पितोच आहे, आणि इथे पडलेला एक स्ट्रॉ कावळ्यांनी आपल्या चोचीत धरला आहे आणि तो उडून चालला आहे। हाँ, बराबर पहचाना बच्चों आपने। यहाँ एक लड़का नारियल पानी पी रहा है स्ट्रॉ से,
और वही देखकर कौवे ने अपनी चोंच में एक स्ट्रॉ पकड़ लिया है। आता शेवटचं चित्र पाहूया। कावळा पुन्हा एकदा माठावर बसला आहे आणि त्याच्या चोचीत आहे स्ट्रॉ आणि तो स्ट्रॉ त्यांनी माठात घातला आहे। तो बच्चों यहाँ पर कौवा फिर से मटके के ऊपर आकर बैठा है और उसने अपनी चोंच में स्ट्रॉ पकड़ा है जो उसने मटके के अंदर डाला है पानी पीने के लिए। तर काय मित्रांनो, यावरून एक छानशी गोष्ट तयार होईल की नाही मग ऐका। तर मग एक होता कावळा, तो उडत उडत एका जंगलात आला। त्याला लागली होती तहान। तिथे त्याला एक माठ दिसला। तो माठावर येऊन बसला। माठात पाणी कमी होते, सोच पाण्यापर्यंत पोहोचत नव्हती। तिथून मग कावळा उडाला आणि मग नारळ पाणी पीत असलेला मुलगा त्याला दिसला। तो नळीने म्हणजे स्ट्रॉने नारळ पाणी पीत होता। कावळ्याला एक युक्ती सुचली। त्याने एक स्ट्रॉ उचलून आणला आणि तो त्या माठावर बसला। चोचीत तो स्ट्रॉ धरला आणि स्ट्रॉने पाणी ओढलं आणि त्याची तहान भागली। तो बच्चों आपको समझ में आई यह कथा, यह कहानी कि एक कौवा जो जंगल में था और उड़ते उड़ते वो जंगल में आया और उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। वो उस मटके के ऊपर बैठ गया लेकिन उसने देखा कि पानी तो बहुत ही नीचे है और इतनी उसकी चोंच नहीं जा पाएगी पानी पीने के लिए। उसके बाद जब दूसरे चित्र में मैंने जो दिखाया है कि एक लड़के को उसने कौवे ने नारियल पानी पीते हुए देखा स्ट्रॉ से, तब उसने सोचा कि अरे ये तो स्ट्रॉ से नारियल पानी पी रहा है। और फिर उसने क्या किया, एक आइडिया लगाई और उस आइडिये से उसने क्या किया कि एक अपनी चोंच में एक स्ट्रॉ पकड़कर वह उड़ने लगा। और वो देखो चौथी तस्वीर में दिखाया है कि वो मटके के ऊपर आकर बैठ गया और उसने पानी में वो स्ट्रॉ डाल दिया अपनी चोंच से और उसने वो पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई। तर मित्रांनो मी तुम्हाला दुसरं चित्र दाखवलं, त्यावेळेला म्हणाले होते ना कावळ्याच्या वर एक पेटलेला दिवा आहे म्हणजे बल्ब दाखवला आहे, याचा अर्थ काय असेल बरं? हा अगदी बरोबर, मुलाला नळीतून नारळ पाणी पिताना बघून कावळ्याला एक आयडिया सुचली हे दाखवण्यासाठी चित्रात बल्ब दाखवला आहे। ही आयडिया होती स्ट्रॉने माठातलं पाणी पिण्याची। तर आली का लक्षात गोष्ट, आपल्याला आपली तहान भागवायची असेल, आपल्याला काही काम करायचं असेल तर आपल्याला युक्ती सुचली पाहिजे आणि त्या युक्तीनुसार आपण काम केले पाहिजे।